नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं मिलिंद गुंजन। आज इस कड़कड़ाती ठंड में, जब बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर्दी है, और इस सर्द भरी रात में भागलपुर शहर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल निकली हैं सड़कों पर हाल जानने के लिए कि अलाव की क्या व्यवस्था है, लोग किस तरह से रह रहे हैं, रेनबसेरों में लोग क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या व्यवस्था उन्हें मुहैया करा जा रही है। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए, उसका रियलिटी चेक करने के लिए खुद मेयर निकली हैं सड़कों पर। आइए आपको दिखाते हैं मेयर ने किस तरह से निरीक्षण किया अलाव का और रेनबसेरों का। नहीं, बस करता है ये लोग बता दे। आप यहाँ दुकान है आपका, कहाँ पर है? ये भी दुकानदार है, ये सब दुकानदार। 5 किलो आता है, 5 किलो से 10 करोड़ कौन है बोला? कितना बजे तक चलेगी ये? तो पूछी के भैया हमें से चले रही दुकानदार से। दुकानदार से मिल कर चला है, भूल दिया। रात में कूड़ा जो लेने वाला ट्रैक्टर रोज आवे जो कि हाँ भैया चलिए आता है डेली डेली आता है। कचरा कैसे उठता है रोज? कहाँ पे हम सब रखते हैं मैडम? गाड़ी आता है ना तो उसमें डालते हैं, ये मैडम 2-3 महीने से इधर चल रहा है। दिक्कत पहले से अच्छी हुई ना? काफी अच्छी है, साफ सफाई बहुत अच्छी है, सबको फायदा है कि नहीं? जैसे होता है ना हर पोल में लाइट लगता है, हर पोल में, वहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है। सुबह में देता है ना? नहीं नहीं, सुबह में कोई लगता है, दूसरा आदमी देता है, हम चले जाते हैं।15-16 किलो लकड़ी आता है। 15-16 किलो बस कितना देर जलता है? ये कच्चा लकड़ी रहता है, जलता है 11:30-11 बजे तक जलता है, 6 बजे 8 घंटा 15 किलो लकड़ी चल जाता है। कच्चा लकड़ी रहता है ना भैया, पन्नी पन्नी दे के जलाना पड़ता है उसको, पन्नी हुआ कहीं थाना से बोड़ा हुआ बोतल हुआ करके उसको जलाना पड़ता है। नया बाजार में लकड़ी नहीं गिरा, हम लोग आज बुलंटा ला के तो जलाए हैं अपने से। हाँ, तो 4 आदमी पकड़ के लाए उसको। अच्छा, बस यही है, थोड़ा लकड़ी दीजिए गरीब को, बस और क्या चाहिए, बस। निगम करा के लकड़ी गिरा रहे हैं? नहीं नहीं, आप यार पर नहीं गिरा है, नहीं गिरा है, तो गारंटी हम लेते हैं। क्या नाम है बाबा? नाम सुनील कुमार। लकड़ी खरीदे हैं 20 किलो, अच्छा लकड़ी 20 किलो में गिरा देता नहीं।
शाम 7 बजे से जल रहा है ये 1500 किलो कितना किलो क्या करेगा दीदी मैं जला दूंगा हम लोग कोई कागज कहां है वो जवाब दीजिए ना कागज बनकर देके हम लोग जलवा के कोई तरह से अरे आता है लगा के चल गया जला कि नहीं जला उसका कोई ठीक नहीं है फिर हम लोग जलाते हैं सब चीज दे करके कच्चा कच्चा लकड़ी देता है कि पक्का देता है एकदम कच्चा रहता है जलवे नहीं करता मोबिल देता है वो लगता कहाँ है पंद्रह सोलह किलो बहुत हो गया अरे ये तो लोग लगाते तो हम लोग लगाते हैं सर जी सब चीज डाल डाल के कभी डालते हैं लकड़ी रोज दे जो यार हाँ इधर मती से रोज दे रहा अभी लकड़ी रोज दे रहा कितना दिन पहले से वही लगभग 10-12 दिन पहले से तो रोज रह जाए हाँ खड़ हुआ और सर ये है जी सर आप अभी देखिए हम आए हैं सर हम जो आते हैं हम भी सामाजिक वर्क करते हैं समझे सर और सामाजिक वर्क करते हुए समाज के कल्याण के लिए व्यवस्था सही है ना जी सर मैं पहले जब आता था तो ये छत गिरता था सर अभी तो बहुत अच्छा व्यवस्था है पैसा क्या सर पैसा कितना लिया पैसा को दे लेंगे आइए और आइए देख रहे हैं सर अरे वाह बहुत हम चाहते थे आप लोग हमें मैं मतलब कि करीब 3-4 यानी 10 के करीब हम 10 आदमी रह सकता है अच्छा इसका लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था लैट्रिन बाथरूम लैट्रिन इधर है ठीक है सर और बगल में बाथरूम निगम का ही है अभी अभी है यानी सर एक रिक्वेस्ट है आपसे पहले भी रहे थे लेकिन अच्छा लगता है सोम आ जाते हैं है ना और सामाजिक वार्ड करते हैं देखो काई संसार कहाँ से आए सर हम झारखंड के हैं सर हमारे यहाँ रहते हैं कहाँ रहते हैं भागलपुर आदमपुर रहते हैं लेकिन अभी आ गए इसलिए कि हमको थोड़ा यहाँ राहत हो गया हाँ बसेरा अच्छा आते हैं बूढ़े आदमी हैं कोई नहीं है दुनिया तो यदि हम कर लेते हैं आराम कर लेते हैं क्या दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आदमी लोग के लिए तो बना जी और यही चाहिए पहले का तो दो छत का छाद रुतवा एकदम गिरने का छत करके इसको यूज में ला जा सकते हैं यहाँ कोई ठीक करने वाली तो बात ही नहीं बाप रे किधर इधर दो तो नया मशीन है सब में स्मार्ट सिटी क्यों लिखा है भाई डस्टबिन तो ले ले मैडम ये दिखा लो काट देंगे देख लीजिए खाली डस्टबिन है मैडम उस तरफ और पेपर का चार है तो हम उस पे चढ़ के लेते हैं वो फोटो इधर आइए तो मांग रहा 35 नंबर का टोटल नया पूरा किस काम से आए हैं क्या कार्य करते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए आया होगा अरे तो सुनिए गौतम सुमन संदीप एक जैसा नाम जो है इसका मतलब यही का आदमी रोज यहाँ ठहरता है नहीं सिर्फ बाहर से अभी आता है कहाँ से इसका आधार कार्ड लाइए तो इसका रजिस्टर है लेके 13 तारीख का ये रजिस्टर है आधार कार्ड कहाँ उसका लेके आया आप आइए मेरे चैम्बर में आइए मेयर चैम्बर में हम बात करते हैं वहीं पर रजिस्टर लेकर के यहाँ से तो अभी नहीं कल आइए
तीन बजे के बाद आइए, पुराना रजिस्टर लेके आइएगा। ग्राउंड से सीधे ये जायजा ले रही हैं, रियलिटी चेक करेंगे क्या कुछ हो रहा है सड़कों पर। जी मैडम, क्या कुछ पाया आपने अपने निरीक्षण में? आज मैं और मेरी टीम अलाव का व्यवस्था देखने के लिए निकले रात में, और हमने स्टेशन चौक देखा, खलीफाबाग चौक, घंटाघर, कोतवाली, सब जगह देखा। एक ही शिकायतें थी कि अमाउंट जो है, क्वांटिटी कम है लकड़ी का, और वो लकड़ी गीली है जिसके कारण वो अच्छे से जल नहीं पाती है। उसको जलाने के लिए जो डीजल या जो भी केरोसिन ऑयल का ज़रूरत पड़ता है वो बहुत कम मात्रा में दिया जाता है और वो बुझ जाता है, तो लोगों को परेशानी होती है। वो लोग खुद से उसको जलाते हैं, और क्वांटिटी कम रहने के कारण वो लोग खुद से इंतजाम करके उसको देर रात तक जलाते हैं। तो जो भी क्वांटिटी जितना मात्रा में दिया जाना है उसको सही मात्रा में दिया जाए, ताकि लोग थोड़ा देर तक उसको उसका आनंद ले सके, उसको ठंड से उसको निजात मिल सके। और जो डीजल और केरोसिन ऑयल की व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया जाए, और लकड़ी सूखी हो। सब जगह, जितने भी जगह मैं गई तो सब जगह एक ही शिकायत हमने पाया। रैन बसेरों का भी आपने निरीक्षण किया, रैन बसेरों में क्या देखा आपने, क्या कुछ लगा कि रैन बसेरा जिसके लिए बना है, क्या स्थिति थी रैन बसेरों की, वो आपने अपनी आँखों से देखा है? जी, आज हमने रैन बसेरा का भी निरीक्षण किया। कोतवाली के पास जो रैन बसेरा वो पूरी तरह से झरझर अवस्था में था, उसमें ताला लगा हुआ था, और इतने अच्छे जगह पे रहते हुए भी वो ठीक से, उसका तो जीर्णोद्धार होना चाहिए, वो फिर से बन के वहाँ पर यदि मल्टीप्लेक्स बने तो निगम को इससे इनकम भी आएगा और रैन बसेरा भी रहेगा, और बहुत चीज़ें वहाँ से, मतलब कि वो इतने अच्छे जगह पे है, बहुत चीज़ वहाँ पे बन सकता है। और भी हमने वो जो ततारपुर गोडाउन है वहाँ का भी रैन बसेरा हमने चेक किया, लेकिन वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लोगों को वहाँ जाना मुश्किल होता है, रास्ते का पता ही नहीं चलता है कि रैन बसेरा किस रास्ते से जाया जाए। और वहाँ का जब रजिस्टर हमने देखा तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत दिनों से एक ही नाम के लोग रह रहे थे, अब वो फर्जी थे, क्या थे, नहीं थे। तो वहाँ के जो मैनेजर हैं उसको मैं अपने ऑफिस में बुलाई हूँ कल, कि रजिस्टर लेकर के ऑफिस में आओ और उसकी जांच पड़ताल करती हूँ कि कैसे वो दुरुस्त हो। और एक जगह मैंने वार्ड नंबर 23 में गई, रैन बसेरा का निरीक्षण किया, वहाँ पे हमने सब चीज़ दुरुस्त पाया, वहाँ पे कोई चीज़ की व्यवस्था में कमी नहीं थी, वहाँ पे शौचालय भी था और रहने की भी व्यवस्था अच्छी थी, केवल वहाँ पे कंबल कम था जो कि उसको देना पड़ेगा। तो और सब इसके स्टेशन चौक पे जो आपने देखा, स्टेशन के पास अलाव का व्यवस्था हमने देखा, अलाव में वही क्वांटिटी बहुत कम थी, और जो वहाँ पे 50 किलो लकड़ी का जो जिक्र किया गया है निगम के तरफ से, तो वैसा कुछ लगा नहीं। वहाँ के लोगों से भी हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 15 से 20 किलो तक लकड़ी आती है मैडम, और वो कच्ची लकड़ी आती है, और वो लकड़ी जलाने के लिए जो प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए वो भी नहीं रहती है। तो क्वांटिटी सही हमारे समझ से रहना चाहिए, ताकि वो लोग ठंड में उसका लाभ ले सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। ये थी भागलपुर शहर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, जिन्होंने बताया कि जब ये अलाव का निरीक्षण करने पहुंची, रैन बसेरा का इन्होंने निरीक्षण किया, तो अलाव में एक जो शिकायत इनको मिली कि क्वांटिटी अच्छी नहीं थी और क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, कच्ची लकड़ी वहाँ पर भिजवाई जा रही थी, जिससे कि सही तरीके से अलाव नहीं लग पा रहा, और अलाव लगाने के लिए जो केरोसिन चाहिए या डीजल चाहिए वो भी मुहैया नहीं कराया जा रहा। ये शिकायत थी। रैन बसेरा में कई जगह बहुत बड़ी और घोर अनियमितता इनको मिली है, और इन्होंने कहा है उन सबको रजिस्टर लेकर इन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया है, और जाँच के बाद आगे उस पर उचित कदम उठाया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर।